हेलो फ्रेंड्स, NISM 5A सीरीज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसे 25 क्वेश्चंस जिनके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। ऑलमोस्ट हर एग्जाम में ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। पहला क्वेश्चन है, द परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी चेंजेस ऑन अकाउंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, इन्फ्लेशन, असेट एलोकेशन, कंपाउंड इंटरेस्ट, डाइवर्सिफिकेशन। तो परचेजिंग पावर किसकी वजह से चेंज होती है? इन्फ्लेशन की वजह से। ऑप्शन ए, इन्फ्लेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रियल रेट ऑफ रिटर्न, रिटर्न दैट द इन्वेस्टर गेट्स आफ्टर पेमेंट ऑफ ऑल एक्सपेंसेस, रिटर्न दैट द इन्वेस्टर गेट्स आफ्टर टैक्सेस, रिटर्न दैट द इन्वेस्टर गेट्स आफ्टर एडजस्टिंग द रिस्क, रिटर्न दैट द इन्वेस्टर गेट्स आफ्टर एडजस्टिंग इन्फ्लेशन। तो रियल रेट ऑफ रिटर्न क्या होती है? जो हमें इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद मिलती है। ऑप्शन डी, रिटर्न दैट द इन्वेस्टर गेट्स आफ्टर एडजस्टिंग इन्फ्लेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज असेट अलोकेशन, कीपिंग सिक्योरिटीज इन प्रॉपर प्लेस, अलोकेटिंग अवेलेबल मनी इन इक्विटी, अलोकेटिंग राइट प्रोपोर्शन ऑफ फंड्स टू इक्विटी, डेट एंड अदर सिक्योरिटीज, नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अलोकेटिंग राइट प्रोपोर्शन ऑफ फंड्स टू इक्विटी, डेट एंड अदर सिक्योरिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क टू मार्केट इज द प्रोसेस ऑफ वैल्यूइंग सिक्योरिटीज एट डैश, करंट मार्केट प्राइस, बुक वैल्यू, नेट असेट वैल्यू, फेस वैल्यू। इसका करेक्ट आंसर है करंट मार्केट प्राइस, ऑप्शन ए। हु ट्रैक्स द वेरियस कॉर्पोरेट एक्शंस लाइक बोनस, डिविडेंड और राइट इशू इन कंपनीज वेयर द म्यूचुअल फंड स्कीम हैज इन्वेस्टेड, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंसी, कस्टडियन, ऑडिटर्स ऑफ द असेट मैनेजमेंट कंपनी, यूनिट होल्डर्स। तो बोनस, डिविडेंड, इनको कौन ट्रैक करता है? कस्टडियन ट्रैक करता है, ऑप्शन बी, कस्टडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट फॉर म्यूचुअल फंड्स, सेबी हैज परमिटेड एंडोर्समेंट एट द इंडस्ट्री लेवल टू इंक्रीज द अवेयरनेस ऑफ म्यूचुअल फंड, सेबी हैज परमिटेड सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड स्कीम, सेलिब्रिटी कैन एंडोर्स ओनली NFOs, सेलिब्रिटी कैन एंडोर्स ओनली ऑनगोइंग म्यूचुअल फंड स्कीम्स। तो सेलिब्रिटी के रिगार्डिंग क्या ट्रू है कि वो इंडस्ट्री लेवल पर तो प्रमोट कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर स्कीम को प्रमोट नहीं कर सकते। ऑप्शन ए, सेबी हैज परमिटेड एंडोर्समेंट एट द इंडस्ट्री लेवल टू इंक्रीज द अवेयरनेस ऑफ म्यूचुअल फंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ सेकंड वॉयलेशन बाय इंटरमीडियरी, ARN विल गेट कैंसल्ड, ए वार्निंग, एस्केलेटेड टू सेबी, नथिंग हैपेंस। तो अगर सेकंड वॉयलेशन मिलता है तो इंटरमीडियरी का ARN कैंसल हो जाता है, ऑप्शन ए, कैंसल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिस्क टू द प्रिंसिपल इन्वेस्टेड इन ए म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट इज डिपिक्टेड बाय यूजिंग ए डैश। जो भी रिस्क है उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन किससे रिप्रेजेंट होता है? स्कीम सुटेबिलिटी, स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, रिस्कोमीटर या फिर रिस्क फैक्टर। तो रिस्कोमीटर से डिटरमाइन होता है, ऑप्शन सी। रिस्कोमीटर आपका क्या होता है? इस टाइप से एक पिक्चर होती है जिसमें एक एरो होता है जो डिफाइन करता है कि आपकी स्कीम कितनी रिस्की है, मॉडरेट है, लो है या फिर हाई रिस्की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NAV इज रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज डैश ऑन द वेबसाइट ऑफ द AMC एंड ऑन MFI वेबसाइट डेली एट द एंड ऑफ ईच बिजनेस डे, वंस इन 3 डेज, वीकली, व्हेन एवर इन्वेस्टर आस्क। तो NAV को डेली डिस्क्लोज करना पड़ता है, ऑप्शन ए, डेली एट द एंड ऑफ ईच बिजनेस डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ड्यू डिलीजेंस प्रोसेस इज रिक्वायर्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूटर्स हु सेटिस्फाई विच ऑफ द बिलो क्राइटेरिया। ड्यू डिलीजेंस प्रोसेस किसके लिए जरूरी है? जिसकी मल्टीपल पॉइंट प्रेजेंस हो, मोर देन 10 लोकेशंस, AUM रेज्ड ओवर 50 क्रोर्स अक्रॉस द इंडस्ट्री, कमीशन रिसीव्ड ओवर ₹50 लाख पर एनम अक्रॉस इंडस्ट्री, कमीशन रिसीव्ड ओवर ₹50 लाख फ्रॉम ए सिंगल म्यूचुअल फंड। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन तो पक्का ही पक्का आता है। मैंने जब एग्जाम दिया था तो मेरे 3 क्वेश्चन इस पर से आए थे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कमीशन रिसीव्ड ओवर ₹50 लाख फ्रॉम ए सिंगल म्यूचुअल फंड। इसमें आपको ये नंबर्स चेंज करके दे दिए जाएंगे। तो आपको चारों क्राइटेरिया याद रखने हैं। मल्टीपल पॉइंट प्रेजेंस में क्या है कि 20, अगर मोर देन 20 लोकेशन हो तो ड्यू डिलीजेंस प्रोसेस चाहिए। AUM रेज्ड ओवर 100 करोड़ से ज्यादा का AUM रेज किया है तो चाहिए। कमीशन रिसीव्ड ओवर ₹50 लाख, अक्रॉस इंडस्ट्री के लिए लिमिट क्या है 1 करोड़, सिंगल के लिए क्या है 50 लाख। तो लोकेशन की लिमिट क्या है 20 और AUM की 100 करोड़, कमीशन की 1 करोड़ अक्रॉस इंडस्ट्री और एक पर्टिकुलर से 50 लाख। ये चारों ही लिमिट्स आपको याद रखनी है, इस पर से एग्जाम में पक्का ही ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के आंसर क्या था? ऑप्शन डी, कमीशन रिसीव्ड ओवर ₹50 लाख फ्रॉम ए सिंगल म्यूचुअल फंड। इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स डिविडेंड कैन बी पेड ओनली आउट ऑफ डैश।
प्रीमियम रिजर्व्स अकाउंट, यूनिट कैपिटल, डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस जनरेटेड बाय द स्कीम, मार्क टू मार्केट प्रॉफिट्स, तो केवल डिस्ट्रीब्यूटर सरप्लस, उनमें से ही डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ऑप्शन सी, डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस जनरेटेड बाय द स्कीम। सेल्स ऑफ यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड डिलीवरी बेस्ड विल अट्रैक्ट एसटीटी एट डैश 0.01, 0.001, 0.125 या फिर 0। तो जो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड होते हैं डिलीवरी बेस्ड, उन पर एसटीटी लगता है 0.001%। ऑप्शन बी, हुज केवाईसी नीड टू बी कंप्लीटेड इन केस ऑफ एन एप्लीकेशन बाय ए माइनर, माइनर, द गार्डियन, एनी फैमिली मेंबर ऑफ द माइनर, नो केवाईसी रिक्वायर्ड इन केस ऑफ एप्लीकेशन बाय माइनर। तो जब भी माइनर के लिए एप्लीकेशन लगाते हो तो गार्डियन का केवाईसी होना जरूरी है। ऑप्शन बी, द गार्डियन। डैश स्टाइल एंटेल्स इन्वेस्टिंग इन हाई ग्रोथ स्टॉक्स, दैट इज स्टॉक्स ऑफ कंपनीज दैट आर लाइकली टू ग्रो मच फास्टर देन द मार्केट। ग्रोथ इन्वेस्टमेंट, वैल्यू इन्वेस्टमेंट, टॉप डाउन, बॉटम अप। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ग्रोथ इन्वेस्टमेंट। इसमें हम ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जो कि हाई ग्रो होंगे। डैश टेक्स इनटू अकाउंट ऑल डिविडेंड्स जनरेटेड फ्रॉम द बास्केट ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स दैट मेक अप द इंडेक्स इन एडिशन टू कैपिटल गेन्स, टोटल रिटर्न इंडेक्स, प्राइस रिटर्न इंडेक्स, डिविडेंड रिटर्न इंडेक्स। तो आजकल क्या चलता है, टोटल रिटर्न इंडेक्स, जिसमें कैपिटल गेन्स के साथ साथ डिविडेंड्स इसको भी कंसिडर किया जाता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, टोटल रिटर्न इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ इवेल्युएटिंग हाउ क्लोजली एन इंडेक्स इज ट्रैकिंग इट्स बेंचमार्क, रेनो रेशो, ट्रैकिंग एरर, टोटल एक्सपेंस रेशो, असेट अंडर मैनेजमेंट। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ट्रैकिंग एरर। ये मेजर करता है कि कितना क्लोजली एक इंडेक्स फंड अपने बेंचमार्क को ट्रैक कर रहा है, ट्रैकिंग एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज नेगेटिव अल्फा, इंडिकेटिव ऑफ अंडर परफॉर्मेंस बाय द फंड मैनेजर, इंडिकेटिव ऑफ ओवर परफॉर्मेंस बाय द फंड मैनेजर, इंडिकेटिव ऑफ अंडर हैजिंग बाय द फंड मैनेजर, इंडिकेटिव ऑफ ओवर हैजिंग बाय द फंड मैनेजर। तो नेगेटिव अल्फा का मतलब है अंडर परफॉर्मेंस, इंडिकेटिव ऑफ अंडर परफॉर्मेंस बाय द फंड मैनेजर। ऑप्शन ए, मिस्टर एक्स सीज दैट हिज फ्रेंड्स आर इन्वेस्टिंग इन ए फाइनेंस स्कीम विच इज प्रमोटिंग वेरी हाई रिटर्न्स, ही ऑल्सो ब्लाइंडली इन्वेस्ट इन द सेम स्कीम, विच बायस इज मिस्टर एक्स एग्जिबिटिंग, कॉन्फिडेंस, एंकरिंग, हर्ड मेंटेलिटी, लॉस अवर्जन। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, दूसरे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, भेड़ चाल चल रहे हैं, यानी कि हर्ड मेंटेलिटी। ऑप्शन सी, हर्ड मेंटेलिटी। ये जितने भी बायसेस थे ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पर भी एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। डैश इज यूज्ड टू मेजर ए फंड्स रिस्क रिलेटिव टू द मार्केट इंडेक्स, ट्रैकिंग एरर, रेनो रेशो, बीटा कोफिशिएंट, शार्पे रेशो। तो बीटा कोफिशिएंट से हम मेजर करते हैं कि फंड का कितना रिस्क है रिलेटिव टू मार्केट इंडेक्स। ऑप्शन सी, बीटा कोफिशिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इंडिकेट्स हाउ मच मनी कैन बी जनरेटेड पर यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड इन केस द स्कीम इज लिक्विडेटेड, आज के दिन अगर स्कीम को लिक्विडेट कर दिया जाए तो कितनी मनी जनरेट होगी पर यूनिट, उसे क्या कहते हैं, असेट अंडर मैनेजमेंट, नेट असेट वैल्यू, मार्केट प्राइस या फिर एग्जिट लोड। तो उसे कहते हैं नेट असेट वैल्यू, NAV। ऑप्शन बी, नेट असेट वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ म्यूचुअल फंड्स, कस्टमाइज्ड पोर्टफोलियो, कन्वीनियंस टू बाय स्टॉक एंड बॉन्ड डायरेक्टली फ्रॉम द म्यूचुअल फंड, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इसका मतलब है कि अगर हमें हर एक कंपनी का एक शेयर खरीदना होता तो हमें काफी पैसा लगता, लेकिन म्यूचुअल फंड के थ्रू हम हर एक कंपनी का कुछ कुछ पोर्शन खरीद सकते हैं, तो हमारी इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो रही है कि हम कम पैसे में भी सारी कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपना एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना सकते हैं। विद स्कोर्स सेबी कंप्लेंट रिड्रेस सिस्टम, इन्वेस्टर्स कैन लॉज देयर कंप्लेंट्स, फॉलो अप ऑन देयर कंप्लेंट्स, ट्रैक द स्टेटस ऑफ कंप्लेंट्स, ऑल ऑफ द अबव। तो इन्वेस्टर सब कुछ कर सकता है, लॉज भी कर सकता है, उसका फॉलो भी कर सकता है और उसका क्या स्टेटस है वो भी कर सकता है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टेमेटिक ट्रांसफर प्लान STP इज द कम्बिनेशन ऑफ SWP एंड SIP, ट्रू और फॉल्स। तो STP में हम क्या करते हैं, एक स्कीम से पीरियोडिकली पैसा निकालते हैं, विड्रॉ करते हैं और दूसरी स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं पीरियोडिकली, SIP करते हैं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि STP जो है कम्बिनेशन है SWP का और SIP का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्म यूज टू डिस्क्राइब द NAV आफ्टर द डिविडेंड इज पेड आउट, उसको क्या कहते हैं, एक्स डिविडेंट NAV, कम डिविडेंट NAV, लोएस्ट NAV, डिविडेंट। तो उसको कहते हैं एक्स डिविडेंड NAV। ऑप्शन ए, अगर डिविडेंड को पेड आउट कर दिया उसके बाद कहेंगे एक्स डिविडेंड, और अभी केवल अनाउंस किया है और पे नहीं किया है तो उसको कहते हैं कम डिविडेंड NAV। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर क्या आएगा, एक्स डिविडेंड NAV, क्योंकि हमने डिविडेंड को पे कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एनालिसिस ट्रैक्स द प्राइस एंड वॉल्यूम डेटा रिलेटेड टू ट्रेडिंग इन द सिक्योरिटी। किस टाइप के एनालिसिस में हम प्राइस और वॉल्यूम डाटा को एनालाइज करते हैं।
क्वांटिटेटिव, फंडामेंटल, टेक्निकल या फिर सिचुएशन। तो हम टेक्निकल एनालिसिस में ये सब करते हैं। ऑप्शन सी टेक्निकल एनालिसिस। ये हमारे मोस्ट रिपीटेड 25 क्वेश्चंस थे। इनको करने से आपको एग्जाम में हेल्प मिल सकती है। आई होप कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो गई है और आप एग्जाम को अच्छे से क्लियर कर पाएंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। थैंक यू गाइस।